राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 25 राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 25 और सिदकिया ने बाबेल के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 90 वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर कोट बनाए और नगर सिदकिया राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को न रहा। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। कसदी तो नगर को घेरे हुए थे परंतु राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा लिया और उसकी पूरी सेना उसके पास से तीतर बीतर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बाबेल के राजा के पास ले गए और उससे दंड की आज्ञा दी गई और उन्होंने सिदकिया के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिया की आंखें फूट डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबेल को ले गए। यरूशलेम का विनाश। बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेनाओं ने, जो जल्लादों के प्रधानों के संग थी, ढा दिया और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबेल के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान बंधुआ करके ले गया। परंतु जल्लादों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कितनों को दाख की बारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया और यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल का हौद जो यहोवा के भवन में था, इनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बाबेल को ले गए और हंडियों, फावड़ियों, चिमटों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को जिनसे सेवा टहल होती थी वे ले गए और करछे और कटोरिया जो सोने की थी और जो कुछ चांदी का था वह सब सोना चांदी जल्लादों का प्रधान ले गया। दोनों खंभे, एक हौद और जो कुर्सियां सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए बनाए थे, इन सब वस्तुओं का पीतल तौल से बाहर था। एक एक खंभे की ऊंचाई 18-18 हाथ की थी और एक एक खंभे के ऊपर 3-3 हाथ ऊंची पीतल की एक एक कंगनी थी और एक एक कंगनी पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे वे सब पीतल के थे। और जल्लादों के प्रधान ने सरायह महायाजक और उसके नीचे के याजक सपन्याह और तीनों द्वारपालों को पकड़ लिया और नगर में से उसने एक हाकिम को पकड़ा जो योद्धाओं के ऊपर था और जो पुरुष राजा के सन्मुख रहा करते थे उनमें से 5 जन जो नगर में मिले और सेनापति का मुंशी जो लोगों को सेना में भर्ती किया करता था और लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले, इनको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान पकड़कर रिबला के राजा के पास ले गया। तब बाबेल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। यो यहूदी बंधुआ बनके अपने देश से निकाल दिए गए। गदल्याह की हत्या। और जो लोग यहूदा देश में रह गए जिनको बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने छोड़ दिया, उन पर उसने अहिकाम के पुत्र गदल्याह को, जो शापान का पोता था, अधिकारी ठहराया। जब दलों के सब प्रधानों ने अर्थात नतन्याह के पुत्र इश्मायल, कारेहू के पुत्र योहानान, नतोपाई तन्हुमेत के पुत्र सरायाह और
किसी माकाई के पुत्र याजन्याह ने और उसके जनों ने यह सुना कि बाबेल के राजा ने गदल्याह को अधिकारी ठहराया है, तब वे अपने अपने जनों समेत मिस्पा में गदल्याह के पास आए और गदल्याह ने उनसे और उनके जनों से शपथ खाकर कहा, कश्तियों के सिपाहियों से न डरो, देश में रहते हुए बाबेल के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। परंतु सातवें महीने में नतन्याह का पुत्र इश्मायल, जो एलिशामा का पोता और राजवंश का था, उसने 10 जन संग ले गदल्याह के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और जो यहूदी और कसदी उसके संग मिस्पा में रहते थे उनको भी मार डाला। तब क्या छोटे क्या बड़े सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने लगे। यहोयाकीन का बढ़ाया जाना। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष में बाबेल का राजा एविलमरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया और उससे मधुर मधुर वचन कहकर, जो राजा उसके संग बाबेल में बंधु हुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया और उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए, और उसने जीवन भर नित्य राजा के सन्मुख भोजन किया और प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहां से नित्य का खर्च ठहराया गया जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा।